flow control, conditional and looping statement. फ्लो कंट्रोल जो है वो तीन तरीके के होते हैं. एक इफ स्टेटमेंट है, दूसरा है इफ एल्स स्टेटमेंट और थर्ड वन है स्विच स्टेटमेंट. इनको ना इटरेशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो सारे हैं वो हम जो एक कंडीशन देंगे उसके ऊपर अपना टास्क परफॉर्म करते हैं. अब इफ स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं. इफ स्टेटमेंट जो है वो बुलियन एक्सप्रेशन कंटेन करते हैं जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होते हैं. अब उसकी सिंटैक्स देखते हैं. सबसे पहले आपको लिखना है इफ कीवर्ड, राइट. अभी देखो जावा के अंदर टोटल 49 रिजर्व कीवर्ड है जिन्हें आप एज अ वेरिएबल कभी यूज नहीं कर सकते. जैसे हमने आगे देखा फोर था, इफ है यहाँ पे, फिर स्टेटिक आया था, क्लास है, राइट. ये सारे जो है हमारे रिजर्व कीवर्ड है, इन्हें हम एज अ वेरिएबल कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं. अब देखिए आपको लिखना है इफ, फिर राउंड ब्रैकेट और बुलियन एक्सप्रेशन, फिर एक कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, दूसरा कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना है, और इन दोनों के बीच में आपको जो भी स्टेटमेंट प्रिंट कराना हो वो स्टेटमेंट लिखना है. मतलब कि हमें यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वाली लाइन लिखनी है. अब हम सिंपल इफ कैसे वर्क करता है वो देखते हैं, राइट. सो उसके लिए मुझे क्लास चाहिए. सो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, अपना एक क्लास, दैट इज क्लास टेस्ट, ठीक है. अब इसके अंदर हमारी मेन मेथड. अब मेन मेथड के बाद हमने ले लिया इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 10, राइट. अब सिंपल इफ स्टेटमेंट लिखते हैं. सो इफ एक्स लेस देन 20, सो हमें क्या प्रिंट कराना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एक्स इज ग्रेटर, राइट. अब देखिए इफ के साथ ऑलवेज क्या आता है, ट्रू पार्ट आता है. मतलब कि जो कंडीशन सही होगी वही एक्स के साथ प्रिंट होगी, ठीक है. अब हम इसे सेव कर देते हैं टेस्ट डॉट जावा से. नाउ अब कंपाइल करके देखते हैं, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, अब एंटर. नाउ नेक्स्ट जावा टेस्ट. सो क्या आया, सिंपल एक्स इज ग्रेटर. हमने यहाँ पे एसओपी की लाइन में क्या प्रिंट कराया है, एक्स इज ग्रेटर, राइट. अब x लेस देन 20 कंडीशन सही हो रही है. मैंने क्या बोला था कि जो कंडीशन सही होगी वो वाली यहाँ पे प्रिंट होगी. सो x लेस देन 20 कंडीशन सही है. सो हमने यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखा है, x इज ग्रेटर. सो ये वाला प्रिंट हुआ. तो ये हुआ हमारा इफ. अब देखते हैं इफ एल्स. इफ जो है वो ऑलवेज एल्स के साथ ही होता है. हम कभी कभी नॉर्मली एक छोटा छोटा स्टेटमेंट प्रिंट कराना हो तो उसके लिए इफ यूज कर सकते हैं. बट देखो यहाँ पे दिक्कत क्या हुई कि एक्स लेस देन 20 लिखना पड़ा हमें, राइट. बट अगर मुझे दो कंडीशन एक साथ लिखनी हो, एक्स और वाई दोनों ही प्रिंट कराने हो, तो हम यूज करेंगे इफ और एल्स. इफ के साथ ऑलवेज ट्रू पार्ट आएगा और एल्स के साथ आएगा आपका गलत वाला पार्ट, मतलब कि फॉल्स पार्ट. ये अब हम इफ और एल्स दोनों को ही साथ में देखते हैं, राइट. तो उसके लिए भी हमें एक क्लास बनाना होगा. सो सबसे पहले ले लेते हैं अपना एक क्लास, दैट इज क्लास टेस्ट 1, ठीक है. अब मेन मेथड, और मेन मेथड के अंदर हम एल्स और इफ दोनों ही पार्ट लिखते हैं. अब टेस्ट 1 के अंदर मेन मेथड, उसके अंदर इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 30, वाई इज इक्वल टू 40. अब देखिए पहले हमने क्या देखा, इफ का सिंपल प्रोग्राम देखा, तो उसके अंदर क्या था कि जो वाली कंडीशन सही हो वो एग्जीक्यूट होती थी. इफ क्या करता है, ऑलवेज सही पार्ट एग्जीक्यूट करता है. बट अगर एक्स का पार्ट सही ना रहा तो फिर क्या होना चाहिए, एल्स में जाना चाहिए, मतलब कि दूसरा वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट होना चाहिए. तो इसलिए हम यूज करते हैं इफ एल्स. अब एक और बात ध्यान से आपको देखनी है और याद रखनी है, दैट इज कि ऑलवेज हमें कंडीशन जो भी देनी होती है वो आती है इफ पार्ट के साथ, और सारा रिमेनिंग जो भी होगा वो आएगा एल्स में. दैट मीन्स हम एल्स के अंदर कभी भी कोई कंडीशन नहीं दे सकते. जैसे कि हमें स्क्रीन पे दिख रहा है, इफ एक्स ग्रेटर देन वाई तो एक्स ग्रेटर है, एल्स वाई इज ग्रेटर. वैसे हमने एक्स की वैल्यू ली है 30 और वाई की वैल्यू ली है 40, तो ऑब्वियसली कौन बड़ा है, वाई. तो अब क्या होगा, इफ पार्ट जो है हमारा स्किप हो जाएगा और ओनली एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा. अब हम इसे सेव करते हैं और कंपाइल करके देखते हैं कि आउटपुट क्या मिलता है. अब देखिए हमने लिख दिया जावा सी टेस्ट 1 डॉट जावा. नाउ नेक्स्ट अब हमें क्या लिखना है, सिंपल जावा और टेस्ट 1.
सो y इज ग्रेटर. जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि अब क्या होगा कि अगर x पार्ट में कुछ सही नहीं है तो वो क्या करेगा, else पार्ट एग्जीक्यूट कर देगा. ठीक है, तो ये हुआ हमारा else if. अब देखते हैं if, else if और else स्टेटमेंट. अब देखो ये दोनों ही जो है वो इटरेशन वाले है और ये वाला भी इटरेशन स्टेटमेंट है, बट इफ जो है वो सिर्फ ट्रू स्टेटमेंट हो उसी के लिए काम आता है. इफ एल्स जो है वो ट्रू और फॉल्स दोनों के लिए ही काम आता है, बट नेस्टेड इफ एल्स के साथ हम अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स जो थे, मतलब कि हमें बहुत सारी कंडीशन, दो कंडीशन एक साथ चेक करानी हो तब हम यूज करेंगे ये. बट ये कब काम आता है, जब हमें कोई जीरो और वन से ज्यादा वाले स्टेटमेंट हो तब हम ये वाला फॉलो करेंगे, राइट. अब और एक बार भी हमारा एल्स इफ सक्सेस नहीं होता तो फिर हम क्या करेंगे, रिमेनिंग हमारे एल्स इफ जो होंगे वो वाले भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, राइट. अब हम नेस्टेड एल्स इफ देखते. अब तक हमने क्या देखा, इफ, फिर इफ एल्स, अब इफ, एल्सिफ, एल्सिफ और इफ, राइट. अब वो क्या है वो भी हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं. नाउ दैट इज एक क्लास ले लेते हैं पहले, सो क्लास टेस्ट टू. ठीक है, अब मेन मेथड और एक्चुअली ये कैसे वर्क करता है वो देखते हैं. अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि जब मुझे एक साथ बहुत सारी कंडीशन चेक करानी हो, मतलब कि एक पार्ट अगर सही नहीं है दूसरा पार्ट एग्जीक्यूट कराना है, दूसरा सही ना हो तो तीसरा पार्ट एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ करना हो तब हम यूज करेंगे नेस्टेड एल्स इफ, राइट. और उसे इसे लीडरशिप एल्स इफ भी बोलते हैं. सो सबसे पहले हमने ले लिया इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 30. अब इफ एक्स इक्वल टू 10, मतलब x और 10 दोनों ही सही रहे तो हमें क्या प्रिंट कराना है, वैल्यू ऑफ x इज 10. नाउ एल्स इफ, क्योंकि हम एल्स के साथ कभी कंडीशन नहीं दे सकते, ठीक है, तो हमने ले लिया एल्स इफ. सो x इज इक्वल टू 20, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अब क्या प्रिंट कराना है, वैल्यू ऑफ x इज 20. उसके बाद एल्स इफ x इज इक्वल टू 30, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, वैल्यू ऑफ x इज 30. अगर कहीं पे भी मैच ना हो तो एल्स पार्ट, दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, दिस इज एल्स स्टेटमेंट. अब पूरा सिनारियो देखिए, सबसे पहले इफ, लास्ट में एल्स और इन सब के बीच में एल्स इफ, ठीक है. अब देखिए इसमें से कोई एक ही कंडीशन हमारी सही होगी तो वही एग्जीक्यूट होगी और रिमेनिंग सारी जो होगी वो क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी. अब हम आउटपुट देखते हैं ताकि हमें अच्छे से पता चले. अब हमने लिख दिया जावा सी टेस्ट टू डॉट जावा, अब लिखते हैं जावा टेस्ट टू, तो वैल्यू ऑफ x इज 30. अब देखिए पहला देखते हैं, x की वैल्यू थी 30 और यहाँ पे लिया x इज इक्वल टू 10, तो ये वाला स्किप हो गया, else if वाला भी स्किप हो गया. अब यहाँ पे आते हैं x इज इक्वल टू 30, यस ये वाला स्टेटमेंट क्या हो रहा है, हमारा सही हो रहा है. सो वैल्यू ऑफ x इज 30, रिमेनिंग सारे जो पार्ट थे वो क्या हो गए, हमारे स्किप हो गए, राइट. तो ये हुआ हमारा नेस्टेड एल्स इफ. अब देखते हैं स्विच स्टेटमेंट. स्विच स्टेटमेंट के अंदर ये जब हमें बहुत अल्टरनेटिव्स हो और उसमें से कोई एक चूज करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्विच. अब इसमें पहले तो सबसे पहले आपको रिजर्व कीवर्ड लिखना है स्विच. सिंटेक्स देखते हैं, सबसे पहले आएगा स्विच, इसके बाद एक्सप्रेशन, मतलब कि हमें क्या सिलेक्ट करना है वो, फिर आपको यहाँ पे डालना है केस वैल्यू, फिर आपका स्टेटमेंट, फिर ब्रेक. अगर आप यहाँ पे ब्रेक ना लिखो तो क्या होगा, दो बहुत सारे जो स्टेटमेंट होंगे ना वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे, मतलब बहुत सारे स्टेटमेंट एक ही साथ एग्जीक्यूट होते रहेंगे, बट हमें तो ऐसा करना नहीं है, इसीलिए हम हर एक केस के बाद एक ब्रेक लगा देंगे, मतलब कि वहां से वो स्टेटमेंट खत्म, उसके बाद वाला खुद एग्जीक्यूट होगा, राइट. और लास्ट में यहाँ पे आता है डिफॉल्ट. डिफॉल्ट के बाद अगर आपको ब्रेक लिखना है तो लिखो, अदरवाइज ना लिखो. अब देखो डिफॉल्ट लिखने का मतलब क्या, कि मैंने बहुत सारे केस दे दिए बट अगर उसमें से कोई भी केस अवेलेबल नहीं है, राइट.